हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कि कैमरा से इमेज कैप्चर कैसे करते हैं। जेनी मोशन में देख रहे हो, इमेज कैप्चर भी इमेज व्यू के अंदर दिखने लग गए। कोड देखते हैं, एक्टिविटी लेआउट में देखते हैं कि ये इमेज व्यू है और एक बटन है। इस पहले एक्टिविटी में केवल इमेज व्यू का यूज़ करेंगे। उसके अंदर इमेज व्यू के क्लिक लिसनर पर कैमरा एक्टिविटी को ओपन करेंगे। कैमरा एक्टिविटी ओपन करने के लिए एक्शन इमेज कैप्चर इंटेंट मीडिया स्टोर से कॉल करेंगे और एक्टिविटी को रिजल्ट के लिए कॉल करेंगे। अगर एक्टिविटी का रिजल्ट ओके नहीं आता है तो एक मैसेज शो कर देंगे। अगर रिक्वेस्ट कोड रिजल्ट ओके आता है तो अपन बंडल से डाटा गेट करेंगे। डेटा डॉट गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट डेटा बिट मैप में सेव करेंगे। उस बिट मैप में इमेज व्यू डॉट सेट बिट मैप से दिखा देंगे। ये इमेज को सेव नहीं करेगा, सीधा दिखा देगा। अब अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें इमेज को एक फोल्डर में सेव करेंगे जो बाद में यूज भी ले सकते हैं। उसके लिए अपन ने अभी 6.0 से अबव में परमिशन भी डिफाइन करनी पड़ती है। यहाँ अपन इमेज को दिखाने के लिए सिंपल ड्राइव व्यू यूज़ कर रहे हैं फ्रेस्को लाइब्रेरी का। इसे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन रहता है। सिंपल इमेज ड्राइव व्यू को डिफाइन कर दिया, परमिशन डिफाइन कर दी, रिक्वेस्ट कैमरा राइट इमेज को स्टोर सेव करने के लिए एक्सटर्नल एड्रेस में। जब इमेज व्यू पर क्लिक करेंगे पहले परमिशन चेक करेंगे एंड्रॉयड 6.0 की अबाउट डिवाइसेस के लिए। अगर परमिशन ग्रांटेड है तो अपन कैमरा वाली परमिशन कॉल करेंगे, अदरवाइज ग्रांटेड वाली डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। कैमरा वाली परमिशन की अगर ग्रांटेड है तो सीधा कैच फोटो वाला कॉल हो जाएगा, नहीं तो कैमरा परमिशन के लिए डायलॉग ओपन होगा। ये ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट में देखेंगे रिक्वेस्ट कोड सेम आ रहा है तो अपन कैच फोटो कॉल कर देंगे। कैच फोटो के अंदर देखते हैं, सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे गेट फाइल से। गेट फाइल में अपन एक्सटर्नल डायरेक्टरी में चेक करेंगे कि फाइल फोल्डर है या नहीं। अगर नहीं है तो बना देंगे। उसके बाद उसको एक टेम्प जेपीजी फाइल क्रिएट करेंगे। अब उसके बाद एक्शन इमेज कैप्चर वाला इंटेंट पास करेंगे, उसके साथ उस फाइल को सेंड करेंगे जिसके अंदर इमेज कैप्चर होकर सेव होएगी। उसको एक्स्ट्रा आउटपुट के अंदर यूआरई के अंदर साथ भेजेंगे और एक्टिविटी को कॉल करेंगे। एक्टिविटी इमेज कैप्चर होने के बाद उसको अपन यूआरई डॉट फाइल जो भी फाइल का नाम सेव है उसमें शो कर देंगे। इसके लिए फ्रेस्को के लिए अपन फ्रेस्को लाइब्रेरी को डिपेंडेंसी में ऐड कर देंगे। अब अपन फोल्डर में देखते हैं फाइल सेव हुई कि नहीं हुई। इसके लिए अपन फाइल एक्सप्लोरर में जाके अपने पैकेज नेम को सर्च करेंगे एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर। फाइल मैनेजर में गए, एंड्रॉइड फोल्डर में गए, डेटा में गए, डेटा के अंदर ओपन होगा फाइल फोल्डर। इसके अंदर अपन पैकेज नेम चेक करेंगे, अपना पैकेज नेम फाइल्स आया, ये आई एम एस सेव होगी। थैंक यू।